हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल सी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंसेप्ट। सो व्हेन लार्ज डेटा ट्रांसफर इज देयर, इट सीम्स वेस्टफुल टू डेडिकेट अ एक्सपेंसिव प्रोसेसर्स फॉर वॉचिंग वन बाइट डेटा ट्रांसफर इनटू द कंट्रोलर रजिस्टर PIO। सो DMA इज यूज्ड टू अवॉइड प्रोग्राम्ड IO। PIO इज नथिंग बट प्रोग्राम्ड IO, वन बाइट एट अ टाइम फॉर लार्ज डेटा मूवमेंट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए एक सेपरेट एक्सपेंसिव प्रोसेसर अलॉट करना, और वो सिर्फ ये सिर्फ कंट्रोल करेगा कि एट अ टाइम वन बाइट ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं। सो दिस स्ट्रेटेजी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर हम एक सेपरेट एक्सपेंसिव प्रोसेसर इस चीज़ के लिए रखते हैं कि सिर्फ उसको कंट्रोल करना है कि एक बाइट डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, और ये जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो PIO में होता है, दैट इज़ प्रोग्राम IO। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये जो कंसेप्ट है वो यूज़ होता है टू अवॉइड प्रोग्राम IO फॉर लार्ज डेटा मूवमेंट। मेनी कंप्यूटर्स अवॉइड बर्डनिंग द CPU विथ PIO बाय ऑफलोडिंग सम ऑफ द वर्क टू अ स्पेशल पर्पज प्रोसेसर कॉल्ड DMA कंट्रोलर। तो जो एक्सपेंसिव प्रोसेसर है उसमें ये जो बर्डन, मेनी कंप्यूटर अवॉइड बर्डनिंग द मेन CPU विथ PIO, यानी ये जो प्रोग्राम IO है उसके लिए जो काम दिया जाएगा, वो जो बर्डन है उसका, वो कम करने के लिए, जो मेन CPU का बर्डन रहता है तो उसका लोड कम करने के लिए एक सेपरेट प्रोसेसर यहाँ पे यूज़ होता है, उसको बोलते हैं DMA कंट्रोलर। इन शॉर्ट, प्रोग्राम IO को अगर हमें अवॉइड करना है तो एक सेपरेट कंट्रोलर यूज़ होता है, उससे CPU का काम कम हो जाता है, और वो जो सेपरेट कंट्रोलर होता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। बाईपासेस द CPU टू ट्रांसफ़र द डेटा डायरेक्टली बिटवीन IO डिवाइसेस एंड मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम राइट्स DMA कमांड ब्लॉक इनटू मेमोरी। नाउ व्हाट दिस डिवाइस मेमोरी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर डज, सो दिस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर ट्रांसफर द डेटा डायरेक्टली बिटवीन द IO डिवाइसेस एंड मेमोरी। सो द नेम सजेस्ट इट इज़ द डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी। So it transfers the data from IO devices to directly memory. So it bypass the CPU. Operating system writes the DMA command block into memory. Command block contains pointer to source, pointer to destination, and count the number of bytes to be transferred. Now operating system writes DMA command block into memory. तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, जो कमांड है आपकी ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा, सो वो जो कमांड रहेगी वो मेन मेमोरी में लिखी जाती है, जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगी या कमांड रहेगी, दैट इज़ प्लेस्ड इनटू द ब्लॉक दैट प्लेस्ड इनटू मेन मेमोरी। अभी ये जो कमांड ब्लॉक है उसमें क्या चीज़ें रहती है, पॉइंटर टू सोर्स, पॉइंटर टू डेस्टिनेशन, एंड काउंट द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी ट्रांसफर्ड। From where we want to copy the data or from where we want to transfer the data, where we want to transfer the data and how many bytes we want to transfer. CPU gives address of this command block to DMA controller and CPU go to another task. Now यहाँ पे जब direct memory access है तो CPU का काम सिर्फ क्या रहता है कि जो command block का address है वो DMA controller को दे देना। एक बार वो address DMA controller को दे दिया कि CPU उसमें से अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो निकाल लेता है और दूसरा जो वर्क रहता है उसका यूजफुल टास्क, सो दैट CPU इज़ एलोकेटेड टू अनदर टास्क। DMA कंट्रोलर डायरेक्टली ऑपरेट द मेमोरी बस प्लेसिंग एड्रेस ऑफ द बस टू परफॉर्म द टास्क विदाउट इन्वॉल्विंग CPU। नाउ DMA कंट्रोलर डायरेक्टली ऑपरेट द मेमोरी बस प्लेसिंग एड्रेस ऑफ द बस टू परफॉर्म द टास्क विदाउट इन्वॉल्विंग CPU। Handshaking between DMA controller and device controller is performed by DMA request and DMA acknowledgement. So DMA controller and device controller may communicate by two commands, DMA request and DMA acknowledgement. Now what is DMA request signal? When data is available for transfer, DMA request is fired, signal is fired, and DMA acknowledgement signal place the address on the memory address wire and place signal on DMA acknowledgement wire. When device controller receives the ACK signal, then data is transferred to memory and removes the TMA request signal.
जब आपका डेटा डिवाइस जब डिवाइस कंट्रोलर रिसीव द एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, तो जो डेटा है वो ट्रांसफ़र किया जाता है मेमोरी में। एक्नॉलेजमेंट एक बार मिल जाने के बाद जो डेटा है वो मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो डीएमए रिक्वेस्ट सिग्नल है उसको रिमूव किया जाता है ताकि दूसरे डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम उसको यूज़ कर सके। व्हेन एंटायर प्रोसेस इज़ फिनिश्ड, डीमैप इंटरप्ट्स द सीपीयू। अगर आपका पूरा एंटायर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो डीएमए कंट्रोलर अगेन सीपीयू को इंटरप्ट करता है। क्यों इंटरप्ट करता है? ताकि सीपीयू को भी समझे कि जो ट्रांसफरिंग का काम हुआ है वो कंप्लीट हो चुका है। दैट्स व्हाई डीएमए कंट्रोलर इंटरप्ट्स द सीपीयू। इंटरप्ट्स इसका मतलब क्या होता है कि जब डीएमए कंट्रोलर उसका काम ख़त्म कर देता है तो वो इंटरप्ट के थ्रू सीपीयू को बताता है कि जो डेटा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। नाउ दिस इज़ द डायग्राम्स फॉर स्टेप्स इन डीएमए ट्रांसफ़र। देर आर सिक्स स्टेप्स फॉर डीएमए ट्रांसफ़र। फर्स्ट इज़ वॉट, दिस डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ डिवाइस ड्राइवर्स इज टोल्ड टू ट्रांसफ़र द डिस डेटा टू बफर एट एड्रेस एक्स। डिवाइस ड्राइवर बताता है कि मुझे एट एड्रेस एक्स पे डेटा को ट्रांसफ़र करना है। नाउ डिवाइस ड्राइवर्स टेल्स डिस कंट्रोलर टू ट्रांसफ़र सी बाइट्स फ्रॉम डिस टू बफर एट एड्रेस एक्स। नाउ डिवाइस ड्राइवर्स इज टोल्ड टू ट्रांसफ़र, डिवाइस ड्राइवर को पहले बताया जाता है कि एक्स डेटा ट्रांसफ़र करना है। अभी डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, डिवाइस कंट्रोलर को बताता है कि इतने नंबर ऑफ बाइट्स मुझे बफर में डालने हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होती है कि डिस कंट्रोलर इनिशियट्स द डीएमए ट्रांसफ़र। इनिशियलाइजेशन किया जाता है, कंट्रोलर जो रहता है वो ट्रांसफ़र को इनिशियलाइज़ करता है। दैट मीन्स डीएमए रिक्वेस्ट सिग्नल को फायर होता है। डिस कंट्रोलर सेंड्स ईच बाइट टू डीएमए कंट्रोलर। जो डिस कंट्रोलर रहता है वो कंट्रोलर जो सी बाइट्स हमें ट्रांसफ़र करने हैं वन बाय वन हर बाइट वो डीएमए कंट्रोलर को भेजता है। एंड इन फिफ्थ स्टेप डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफर बाइट टू बफर एक्स, इंक्रीजिंग द मेमोरी एड्रेस एंड डिक्रीजिंग द सी अंटिल सी इज इक्वल टू जीरो। अभी क्या होता है कि आपको बफर एक्स में डेटा को ट्रांसफ़र करना है। इसका मतलब क्या होगा, जब आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा बफर एक्स में तो जो नंबर ऑफ बाइट्स है वह इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस है वो उसको हमें इंक्रीज़ करना है, और जो सी नंबर ऑफ डेटा है वो डिक्रीज़ करते जाएंगे। वन बाय वन अगर हम डेटा अगर भेजेंगे तो सी में फॉर एग्जांपल 10 बाइट का डेटा है तो 10 से 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, ऐसे धीरे धीरे जब तक सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो जाता है तब तक डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। और एट द सेम टाइम सी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी ग्रेजुअली, और एट द सेम टाइम जो बफर है उसका एड्रेस एक एक से बढ़ता जाएगा। When C is equal to zero, DMA interrupts the CPU to signal that transfer is completed. So these are the six number of steps in the DMA transfer. कि किस तरीके से आपका direct memory access work करता है या किस तरीके से आपका data transfer होता है by using DMA controller. So this is all about DMA transfer, that is by direct memory access. Thank you for listening.